और चार चीजों की परीक्षा मुसीबत में होती है, दुख में होती है। धीरज धर्म मित्रय रुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्रय रुनारी आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र आपका धैर्य, आपका धर्म, आपके मित्र और आपकी स्त्री की परीक्षा आपत्ति में होती है, जिस समय तुम संकट में होते हो। ऐसे तो हर दूध पीने वाले मित्र तो बहुत मिलते हैं, पर खून देने वाले मित्र बहुत कम होते हैं। एक छोटी सी जीवित कथा है, जिस समय मजनू लैला के पीछे भाग रहा था, लैला के पिता को ना गंवारा हो गया, डंडों से मजनू की पिटाई करवाया और लैला को पकड़कर कमरे में बंद कराया कि तू बाहर नहीं जा सकती है, मर्यादा का सवाल है। तो लैला ने कहा, पिताजी ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, पर मजनू के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध कर दो, नहीं तो मर जाएगा, तो आपको पाप लगेगा और केस लग जाएगा। तो लैला के पिता ने कहा कि इतना तो कर दूंगा। तो होटल के मैनेजर से जाकर बुकिंग करा दी कि अगर मजनू इधर से निकले तो उसको दूध पिला देना, कुछ खिला देना। पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में सूचना प्रसारित हो गई कि मजनू को दूध पीने का इंतज़ाम होटल में कर दिया गया है। दूसरे दिन सवेरे सैकड़ों मजनुओं की लाइन लग गई दूध पीने के लिए, सब नकली मजनू इकट्ठे हो गए, बोले मैं भी मजनू हूँ, मैं भी मजनू हूँ। होटल मैनेजर ने सबको दूध पिलाया, ऐसे ऐसे मजनू गए भस्मासुर, दो दो लीटर भी दूध पिया। कुछ लोग तो हद कर देते हैं, चाय भी पीते हैं तो एक लोटा भर पीते हैं, दूध भी पीते हैं तो आधी बाल्टी पी जाते हैं, अब बाटी भी खाते हैं तो 10 बाटी 20 बाटी, भगवान बचाए 10 बाटी में तो भैंस भी छक जाएगी। भस्मासुर है, भस्मक बीमारी, जो खाते सब भस्म हो जाता। तो जब शाम को लैला का पिता पेमेंट करने आया तो पेमेंट हजारों रुपयों में बना। तो लैला के पिता ने कहा, क्या ये मजनू ने इतना दूध पिया, ये 100 लीटर दूध का पेमेंट? बोले आपका एक मजनू होगा, लेकिन यहाँ तो मजनुओं की लाइन लगी हुई थी। तो लैला का पिता पेमेंट तो कर दिया, मन बड़ा दुखी हुआ, असमंजस में पड़ गया, क्या करूँ। लैला से जाकर कहा कि मैं तेरे मजनू को दूध नहीं पिला पाऊँगा, क्योंकि वहाँ सैकड़ों मजनू दूध पिए हैं, हजारों का पेमेंट करना पड़ा। तो लैला ने कहा, असली मजनू को पहचानने के लिए पिताजी एक काम और करो, होटल मैनेजर से बता दो कि जो मजनू दूध पीने आएगा उसका एक बोतल खून निकाला जाएगा, क्योंकि लैला बीमार है, उसको खून की जरूरत है। दूसरे दिन जब मजनू सब दूध पीने के लिए इकट्ठे हुए, दूसरे दिन 500 मजनू लाइन में लगे, क्योंकि फ्री फोकट दूध मिल रहा है तो मजनू बनने में क्या बुरा है। होटल मैनेजर ने डॉक्टर को बिठाया, कहा इनका एक बोतल खून निकालो, लैला बीमार है, एक बोतल खून चाहिए। सारे मजनू एक एक करके खिसक गए, बोले हम दूध पीने वाले मजनू हैं, खून देने वाले मजनू नहीं।
ऐसे कितने दोस्त केवल दूध पीने वाले होते हैं, खून देने वाले नहीं होते हैं। जब तुम संकट में फंस जाओगे तो खिसक जाएंगे, ये दोस्त नहीं है, ये छिपे हुए धोखेबाज दुश्मन ही होते हैं। दोस्त हमेशा आपका साथ देता है। जब असली मजनू ने सुना कि लैला बीमार है, खून की जरूरत है, भागता हुआ आया होटल मैनेजर ने कहा, मेरे शरीर में जितना खून है सब निकाल लो, मैं दूध नहीं पीऊँगा लेकिन खून दे दूँगा। बोले, इसका फोटो ले लो, यही असली मजनू है, खून की तो ज़रूरत नहीं, इसी को दूध पिलाओ। धीरज धर में मित्रेय रुनारी आपतिकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्रेय रुनारी आपतिकाल परखिए चारी। स्त्री की परीक्षा भी दुख के समय होती है। जिस समय आप संकट में हो, आपका धन भी आपके हाथ से चला गया हो, गरीबी आ गई हो, संसार ने छोड़ दिया हो, शरीर में बीमारी आ गई हो, परिवार भी किनारे हो गया हो, उस समय भी जो पत्नी न छोड़े, उसी पत्नी का नाम धर्म पत्नी है, और उसी को कहा जाता है कि वो पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वो मित्र भी है, मंत्री भी है, माँ हृदय भी है, जो संकट में पति को छोड़ती नहीं, ऐसी पत्नी बनो। धर्म की परीक्षा भी कठिन घड़ियों में होती है। ऐसे तो सभी लोग धार्मिक है, सब हर हर गंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपका धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माँ का धर्म, बहन का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, डॉक्टर का धर्म, मरीज का धर्म, ड्राइवर का धर्म, भंडारी का धर्म, बहन का धर्म, बेटी का धर्म, बेटे का धर्म, सबके धर्म इतने हैं, एक आदमी के साथ में अनेक धर्म जुड़े हुए हैं। जिस समय आपके पिताजी बहुत बीमार हों, तुम्हें सूचना मिले पुत्र का धर्म निभाने के लिए तुम आ सको, तो समझ लो आप धार्मिक व्यक्ति हो। उस समय इधर उधर कर जाओ तो समझ लो धर्म से तुम विचलित हो गए। धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी बक्से में बंद होता है। धर्म उसी का नाम है जो वहाँ तुम्हारे कर्म से होकर गुजरता है, वही धर्म बनता है। इसलिए कभी धर्म मत छोड़ना, धर्म ही तुम्हारा अंतिम साथी है। नीति शास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधितस्य सुधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या विदेश में तुम्हारे साथ मित्र का काम करती है। पैसा खो सकता है, थैला खो सकता है, सामान खो सकता है, साथी छूट सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास विद्या है, अनुभव है, कला है, एबिलिटी है, क्वालिटी है, कैपेसिटी है, वो तुम्हारा साथ देती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर गृहस्थी में तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है, वो दोस्त का काम करती है। बीमारी के समय मित्र दवाई है, व्याधि तस्सुधम मित्रम, और मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वो केवल धर्म है। धर्म ही मृत्यु के बाद इस जीव के साथ में जाता है, इसलिए धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म की राह पर सदैव चलना चाहिए। एक 5 मिनट का और प्रसंग है कि जिस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सुषेण वैद्य को लाया गया,
तो सुषेण वैद्य से राम ने कहा कि लक्ष्मण का ट्रीटमेंट कीजिए। तो सुषेण वैद्य ने तर्क किया कि मैं रावण का नमक खाता हूँ, रावण का वैद्य हूँ और रावण के दुश्मन का इलाज करूँ तो ये धर्म के खिलाफ है। अगर आप कहो तो मैं धर्म करूँ, मैं तो नहीं करूँगा। तो राम ने उत्तर दिया, क्या? अरे सुषेण, ये लक्ष्मण नहीं, धर्म के नाम पर तो सब कुर्बान है। अगर ऐसी बात कहते हो तो लक्ष्मण का ट्रीटमेंट मत करना। राम के शब्द हैं, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। अरे हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, मेरे पूर्वज हरिश्चंद्र सत्य धर्म को पालन करने के लिए कालू डोम के घर बिक गए थे। मैं उस वंशज की संतान हूं। सुषेण वैद्य, तुम क्या समझते हो? कालों के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है, संतान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। सुषेण वैद्य, अगर चांस मिला, वक्त मिला, जरूरत पड़ी तो आपको मैं दिखाऊंगा क्या। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। आज का आदमी सेकेंड हैंड चप्पल को देख करके भी धर्म से डिग जाता है। जाते हैं सत्संग सुनने, वहाँ से पुराने चप्पल किसी के चुरा लाते हैं। इतना लोग तो कमजोर हो गया है धर्म। सत्संग में कभी किसी की एक सुई भी नहीं लेना चाहिए, उसे सत्संग का अपमान हो जाता है। जो संत कथा कह रहे हैं उनकी मर्यादा भी कम हो जाती है, बहुत बड़ा पाप लगता है। सत्संग में किसी का सोना मिल जाए उसको भी उठा कर दे दो, तो क्या दूसरी जगह चुराना चाहिए? कहीं भी नहीं चुराना चाहिए। क्या चोरी करना है? जितना आपके कर्म भाग्य में होगा वो मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है चला जाएगा। चोरी मत करो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, और भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है, बलिदान धर्म पर है। राम की बातों को सुनकर के सुषेण वैद्य उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे राम, यदि तुम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हो तो मैं भी वैद्य हूँ। वैद्य का धर्म होता रोगी का इलाज करना, चाहे अपना हो या पराया, चाहे मित्र हो या शत्रु। रोगी है तो उसका इलाज करना वैद्य का स्पेशल धर्म होता है। मैं अपने स्पेशल धर्म से लक्ष्मण का इलाज करता हूँ, आप अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। लक्ष्मण अच्छे हो जाते हैं। सज्जनों, बहुत सारी ज्ञान की बातें आपके बीच में प्रेषित किया हूँ, आपने बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक श्रवण किया है। याद करना, अर्ब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। धनवान बनना गुनाह नहीं है,
राजपद को संभालना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति छोड़ देना सब गुनाह करा देता है। भक्ति करना, धर्म की राह पर चलना, सत्संग में रोज डुबकी लगाना, परस्पर प्रेम से रहना, अपने घर को मंदिर और आश्रम समझना, खूब उन्नति भी करना, अच्छा मकान बनाना, अच्छी बिजनेस करना, अच्छे परिवार को संस्कार देना और परिवार को सत्संग से जोड़ना, अपने इलाके में भी समागम कराकर सबके जीवन को धन्य करना। आज जैसे हमारे परम स्नेही श्री अजब सिंह ने एक गजब का समागम किया है, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ और सबके दर्शन के लिए उन्होंने एक ऐसी सुविधा बना दी।